ये कहानी है भारतीय फूड जाइंट हल्दीराम की। कैसे एक भारतीय ब्रांड बीकानेर की गलियों से निकलकर पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा रहा है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग को पूरे विश्व में कड़ी टक्कर दे रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1919 की, जब गंगा भूषण अग्रवाल, जिन्हें प्यार से घर वाले हल्दीराम के नाम से पुकारते थे, अपने पिताजी के साथ उनकी भुजिया मिठाई की दुकान पर छोटे मोटे काम किया करते थे। वो एक मारवाड़ी परिवार से आते थे। उनके पिताजी घर के सदस्यों द्वारा निर्मित रेसिपी की भुजिया बीकानेर में बेचा करते थे। उस समय पूरे बीकानेर में भुजिया का स्वाद लगभग एक जैसा ही था, पर हल्दीराम जी हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए वे नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया पर हमेशा प्रयोग किया करते थे। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने भुजिया का जायका ही बदल डाला, जिससे उनकी भुजिया बीकानेर के हजारों भुजिया वाला से अलग और स्वादिष्ट हो गई। उन्होंने बेसन की जगह मोठ की दाल का इस्तेमाल किया और भुजिया को थोड़ा पतला भी किया, जिससे भुजिया स्वादिष्ट और क्रिस्पी हो गई। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने दो बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम किया। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के महाराज डोगर सिंह के नाम पर डोगर सेव रखा। दूसरा, उन्होंने अपनी भुजिया को मार्केट से अलग और प्रीमियम बनाने के लिए उसका दाम 2 पैसे पर केजी से बढ़ाकर 5 पैसे पर केजी कर दिया। दाम बढ़ने के बावजूद भी उस भुजिया का स्वाद इतना शानदार था कि उसे अपार सफलता मिली। हल्दीराम जी की शादी 11 साल की उम्र में हो गई थी। बोलते हैं ना, सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। घर में कुछ अनबन की वजह से सन 1941 में उन्हें अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा और अपने बीवी बच्चों के साथ बिना कुछ लिए वे अलग हो गए। हल्दीराम जी एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्होंने अपने एक मित्र से 100 रुपये की मदद ली, जिससे उन्होंने एक किराए का मकान लिया और भुजिया बेचने लगे। जी हाँ, उस समय 100 रुपये बहुत मायने रखते थे। धीरे धीरे हालात सुधरे और अपने बेहतरीन स्वाद के दम पर उन्होंने फिर वापसी करी। उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब वे अपने दोस्त की बेटी की शादी में कलकत्ता गए और अपने हाथ से बनी भुजिया सबको खिलाई। अब तक हल्दीराम जी अपने एक दुकान से संतुष्ट थे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, पर कलकत्ता के लोगों तथा उनके मित्र के आग्रह करने पर सन 1954 में उन्होंने कलकत्ता में अपना पहला आउटलेट खोला। इस प्रकार हल्दीराम का पहला आउटलेट की नींव रखी गई। हल्दीराम की ग्रोथ और उसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने का श्रेय शिवकिशन अग्रवाल जी को भी जाता है, जो हल्दीराम जी के पोते हैं। इन्होंने हल्दीराम की शेल्फ में बहुत सारी वैरायटीज तैयार की। उनकी खासियत यह है कि जगह के अनुसार उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स और अपने प्रोडक्ट्स में इस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं कि खाने वाला बार बार उनके स्टोर पर आने पर मजबूर हो जाता है। समय के साथ हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट्स में काफ़ी चेंज किए, जिसका परिणाम यह रहा कि वह अपने प्रोडक्ट्स को आज 80 से भी ज़्यादा देशों में सेल कर रहे हैं। हल्दीराम की सफलता को देखकर बड़े बड़े फूड जायंट्स भी हैरान हैं। हल्दीराम का हमेशा से एक ही मोटो रहा है, नेवर कम्प्रोमाइज विद टेस्ट, नेवर कम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। हल्दीराम कभी भी अपने टेस्ट और क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। मुझे एक बार हल्दीराम की नोएडा फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिला। 90% से भी अधिक काम वहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से किया जा रहा था। नमकीन भरने से लेके पैकिंग तक का सभी काम मशीनों से किया जा रहा था। लेकिन जब मैं एक बहुत बड़े हॉल में पहुँचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में मोठ बेसन भुजिया बन रही थी। पूछने पर पता चला तो उन्होंने बताया कि इनके लिए भी महंगी मशीनें आई थीं, पर उसका जायका वैसा नहीं था जो हल्दीराम को हल्दीराम बनाता है, तो उन मशीनों को वापस कर दिया गया। आज भी हल्दीराम में बेसन मोठ भुजिया हाथों से बनाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हल्दीराम कभी भी अपनी क्वालिटी और टेस्ट से कम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इसलिए पूरे विश्व में हल्दीराम इतनी ख्याति पा रहा है और भारत देश का नाम गर्व से रोशन कर रहा है। यही कारण है कि बीकानेर के छोटे से दुकान से शुरू होने वाला हल्दीराम आज $2 बिलियन के एनुअल टर्नओवर पर पहुंच गया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपका फेवरेट हल्दीराम प्रोडक्ट कौन सा है, राज कचौड़ी, गुलाब जामुन या कुछ और। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार के मैनेजमेंट वीडियो और केस स्टडी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।